सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी कवरिंग इज फॉर्म वैलिडेशन. ओके, तो अभी ये जो हमने एक फॉर्म बनाया था इसी में मैं आपको कुछ वैलिडेशंस इम्प्लाई करके दिखाता हूँ. सो लेट्स से दिस इज अवर फॉर्म विच वी हैव क्रिएटेड एंड विद इन दिस आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट सर्टेन वैलिडेशंस. सो बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस एप कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल जहाँ पर आपने एक मॉडल अपना बनाया हुआ है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दैट एप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस. इन एंगुलर फॉर्म्स वी हैव अ क्लास कॉल्ड एज वैलिडेटर्स. तो उस क्लास को सबसे पहले मैं इम्पोर्ट कराता हूँ. तो यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल के बाद आई एम गोइंग टू यूज ऑफ अ वैलिडेटर्स. सो दिस इज अ क्लास विच आई एम गोइंग टू मेक अ यूज वैलिडेटर्स. अभी वैलिडेटर्स क्लास करती क्या है. लेट्स से यहाँ पर आपने ये अपना कॉम्पोनेंट बना रखा फर्स्ट नेम. विद इन दिस फर्स्ट नेम इन दिस कंट्रोल आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस वैलिडेटर क्लास. तो इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं आई विल शो यू. तो वैलिडेटर्स में हमारे पास एक क्लास होती है. इधर मैंने लिखा आफ्टर दिस फॉर्म कंट्रोल आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड. सो अभी आप एक बार ये इतना सिंटेक्स लिखो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपके फॉर्म में इससे क्या चेंजेस हुआ होगा. सो मैंने यहाँ पे लिखा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड. इससे पहले आपको एक और स्टेप करना है. वो ये स्टेप करना है, मैंने आपको एक सीएसएस फाइल दी थी इसमें आप है ना ये वाली सीएसएस ऐड कर देना डॉट सीएसएस वन. हाँ ये इसमें बस ये आपको अपनी सीएसएस के एंड में ऐड करना है. ये आपके इनपुट बटन के लिए है. तो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस सीएसएस और इसको मैं अपने सीएसएस के एंड में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. लेट्स एट द एंड वी हैव टू पेस्ट दिस सीएसएस स्क्रिप्ट एंड आई एम गोइंग टू सेव ऑन दिस ऑप्शन. सो लेट्स से आफ्टर एडिंग दिस सीएसएस अभी हम देखते हैं कि हमारे फॉर्म में क्या इससे चेंज आया होगा. इट इज टेकिंग अ टाइम. सो लेट्स से यहां पर हमने एक सीएसएस ऐड कर दिया एंड विद इन दिस एप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टीएसएस विद इन दिस कंट्रोल आई हैव एडेड अ वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड. अब इससे क्या चेंज आएगा मेरे फॉर्म पे. लेट मी जस्ट शो यू. दिस इज माई फॉर्म और ये हमारी सी एस एस अप्लाई करी है हमने. इसमें कलर इसका चेंज हो रहा है. इफ आई क्लिक ऑन इंस्पेक्ट एंड मैं आपको दिखाऊं लेट्स से एलिमेंट्स में. ठीक है, तो यहाँ पर विद इन दिस एलिमेंट्स आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बॉडी एंड विद इन दिस बॉडी वी हैव आवर फर्स्ट कंट्रोल दिस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास है एक एन जी इनवैलिड क्लास एड हो गई होगी. ये देखो अब यहाँ पर एन एन जी इनवैलिड क्लास हैज बीन एडेड. बाकी सब में देखो बाकी सब में एन जी वैलिड है. एन जी वैलिड है बाकी आपके दो कंट्रोल्स में एन जी वैलिड है होगा बट ये जो फर्स्ट कंट्रोल है यहाँ पर आपकी एक फाइल ऐड होगी होगी एन जी इनवैलिड करके. सो एन जी इनवैलिड स्टेट बेसिकली होती क्या है. एन जी इनवैलिड स्टेट दैट दिस फील्ड कंटेंट इज नॉट अ वैलिड फील्ड कंटेंट. इसके बाद आपको कुछ और भी दिख रहे होंगे प्रिस्टीन करके दिस फील्ड हैज नॉट बीन मॉडिफाइड येट टच्ड करके दिस फील्ड हैज बीन टच. सो ये डेफिनेशन है जो आपको अभी कंसोल में दिख रहे हैं. सो ये जो इनवैलिड क्लास है ये ऐड कब हुई है. व्हेन यू हैव एडिड दिस कंट्रोल वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इज कि जब तक यूजर यहाँ पर एक वैल्यू ना डाले आई वांट टू डिसेबल दिस बटन. कि मतलब यूजर जब यहाँ पर वैल्यू डालेगा देन दिस बटन विल गेट इनेबल्ड एल्स दिस बटन विल गेट डिसेबल्ड. सो लेट्स से ये वाली वैलिडेशंस करते हैं कि जब तक यूजर यहाँ पर क्लिक ना करे दिस बटन विल गेट डिसेबल्ड. So what you have to do is you have to make a use of this app.component.html. तो यहाँ पर जहाँ पर आपने ये लिखा था input type button, in this I'm going to make a use of a directive called as disable. तो यहाँ पर एक मैं use करूँगा disable is equal to double quotes से मैं specify कर दूँगा not form dot valid. So ये statement क्या indicate करेगी that this फॉर्म इज राइट नाउ इन एन इनवैलिड स्टेट. सो यहाँ पर मैंने लिखा दिया डिसेबल कर दो अगर फॉर्म आपका इनवैलिड स्टेट में है तो. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव एंड टेस्ट दिस एप्लीकेशन.
me just refresh this. So let's say error है यहाँ पर मेरा आएगा forms dot invalid. इधर करते हैं इसको save. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका बटन डिसेबल्ड हो जाएगा. तो when user is going to type something, तो this button will get enabled. तो validation अभी हम continuation में रखेंगे, कल फिर मैं आपका validation continue में रखूँगा.